नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल उषा की किरण में। आज हम बात करेंगे आइसर ट्रक्स के बारे में, जहां पर हमने आज की वीडियो के लिए चुना है इसका छोटा ट्रक यानी कि एलसीवी सेगमेंट के अंदर आने वाला आइसर 2049, जिसको कि कंपनी ने 2021 के अंदर कई बेहतरीन फीचर्स के साथ में आपके लिए अवेलेबल करवाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं इसकी ऑन रोड प्राइस क्या पड़ने वाली है, साथ ही नए ट्रक के साथ में आपको क्या नए फीचर्स मिलते हैं, क्या माइलेज रहेगा, हर चीज़ के बारे में डिटेल जानकारी देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इस ट्रक के साथ में मिलने वाले केबिन के बारे में। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं आइसर के जितने भी ट्रक्स हैं वो फ्यूल एफिशिएंसी के साथ साथ आपको बेहतर कंफर्ट भी अवेलेबल करवाते हैं। बात करें अगर हम इसके केबिन की, तो यहां पर आपको 1.8 मीटर चौड़ा केबिन मिलता है, जो कि एरोडायनेमिक शेप के साथ में आपको मिल रहा है, जिसके अंदर दोस्तों होता यह है कि जब हम गाड़ी को चलाते हैं तो हमारी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी भी काफ़ी बढ़ जाती है। साथ ही दोस्तों, नए ट्रक्स के साथ में आपको काफ़ी खूबसूरत हेडलाइट्स मिलते हैं, जिसके साथ में आपको LED जैसे DRLs भी यहाँ पर दिए गए हैं। सामने अगर सेफ्टी और इसकी लो कॉस्टिंग की बात करें मेंटेनेंस को लेकर के, तो आपको 3 पीस के अंदर इसका बम्पर मिलता है। अगर आपका बम्पर कहीं टच हो जाता है तो आप अपने एक ही पार्ट को चेंज करके आप अपनी जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको हेडलाइट्स के साथ में फोग लैंप लगाने का भी प्रोविज़न मिल जाता है। तो इस तरह का दिखता है हमें सामने की साइड से आइसर 2049, जहाँ पर आपको यूटेक 6 की भी बैजिंग एक अलग से दिखाई देगी, साथ ही मिलेगी आइसर प्रो 2049 की बैजिंग। दोस्तों, यहाँ पर कंपनी के द्वारा यूटेक 6 का मतलब ये होता है कि आपको अप टाइम इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस यहाँ पर अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है आइसर की सर्विस सेंटर्स की, तो आपको बस एक कॉल करना है, जिसका नंबर आपको केबिन के अंदर दिया जाता है, और आपके पास में आइसर की टीम अवेलेबल होगी आपकी किसी भी प्रकार की सेवा के लिए तत्पर होकर के। बात करें दोस्तों हम इसकी साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पर आपको ट्रक जो है केबिन विद चेसिस, केबिन विद लोड बॉडी दोनों ही प्रकार के प्रोविजन के साथ में लेने का प्रावधान होता है। अगर दोस्तों हम इसकी लोड बॉडी की बात करें, तो आपको यहाँ पर लगभग 10.4 फीट की लंबाई वाली लोड बॉडी मिल जाती है, जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर्ड है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो चेसिस लेकर के आप अपनी इच्छा के अनुसार भी बॉडी का निर्माण यहाँ पर करवा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलता है इसके अंदर आने वाला पॉलीमर टैंक, जो कि अच्छे मटेरियल का है, जिसके अंदर आपको रस्ट वगैरह की प्रॉब्लम कभी नहीं होती है। 60 लीटर का डीजल टैंक मिलेगा, साथ ही 19 लीटर का आपको यहाँ पर डैफ टैंक भी मिल जाता है। बात करें दोस्तों अगर हम इसकी केबिन की, तो यहाँ पर आपको टिल्ट केबिन मिलता है, जिसके माध्यम से होता यह है कि कभी आपको इंजन की जांच पड़ताल करनी है तो आप इसको इजीली टिल्ट भी कर सकते हैं, और आप अपने इंजन के अंदर किसी भी प्रकार की जांच पड़ताल को कभी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था इसका केबिन। बात करें अगर हम पीछे की, तो आइसर ट्रक आपको कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, जहाँ पर आपको आइसर की बड़े लेटर्स के साथ में नेमिंग मिलती है देखने के लिए, ब्लैक कलर के साथ में, और काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी मजबूत जो है आपको यहाँ पर इसके अंदर कार्गो बॉडी भी मिल जाती है। दोस्तों, अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें, तो यहाँ पर आपको इसकी चौड़ाई मिलेगी लगभग 6 फीट के आसपास की। दोस्तों, जहाँ पर आप लगभग 2600 से लेकर के 2700 केजी तक का माल आसानी से लेकर के जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको नए ट्रक्स के साथ में पीछे की साइड में जो टेल लैंप्स मिलते हैं वो भी मिलेंगे LED के साथ में। अब आपको नई गाड़ियों के साथ में यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसी सुविधा भी मिल जाती है, जिससे आपकी गाड़ी को रिवर्स करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो दोस्तों, 2021 के अंदर कंपनी ने कई सारे नए फीचर्स को एड ऑन करके अपने ट्रक्स को अवेलेबल करवाया है आपके लिए। दोस्तों, अगर हम गाड़ी के साथ में आने वाले ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें, तो आपको यहाँ पर चारों ही व्हील्स के अंदर मिलता है डिस्क ब्रेक का ऑप्शन, जिससे कि आपकी गाड़ी की जो है ब्रेकिंग एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी हो जाती है। साथ ही दोस्तों, BS6 इंजन के साथ में अब आपको यहाँ पर मिलता है नई यूनिट, जिसको कि ईट सिस्टम के नाम से आइसर ने कहा है, जहाँ पर आपको एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम यानी कि इंजन से निकलने वाली जो रासायनिक गैसेज वगैरह होती हैं वो इस सिस्टम के द्वारा पूरी की पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं, और हमारा वाहन बनता है वातावरण के अनुकूल, यानी कि पूरा का पूरा BS6 के पॉल्यूशन मानकों को मीट करने वाला। तो इस तरह की है इसकी यूनिट, जिसको कि सेफ किया गया है गार्ड ग्रिल लगा करके। बात करें दोस्तों अगर मैं इसके सस्पेंशन की, तो यहाँ पर आपको आगे और पीछे दोनों ही साइड में ग्रीस फ्री सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है, जिसके अंदर आपको ग्रीसिंग वगैरह करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, कंफर्ट और सेफ्टी के लिहाज से आगे और पीछे आइसर 2049 के अंदर आपको एंटी रोल बार जैसी सुविधा भी मिल जाती है। तो एक मजबूत डोमेक्स जैसी फ्रेम के ऊपर आइसर 2049 गाड़ी का निर्माण किया गया है। दोस्तों, ओवरऑल गाड़ी की अगर हम लंबाई की बात करें, तो यहाँ पर इसकी लंबाई है 3177 मिलीमीटर के आसपास। एक शानदार आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है लगभग 160 मिलीमीटर के आसपास का। आगे की साइड से हमें गाड़ी कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जहाँ पर आपको सामने की साइड में भी एंटी रोल बार जैसी सुविधा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। दोस्तों, गाड़ी के अंदर 200
85 न्यूटन मीटर के आसपास का आपको टॉर्क मिलेगा BS6 इंजन के साथ में, अब जिससे कि आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन हो जाती है। साथ ही दोस्तों इसकी फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपको मिलती है एम बूस्टर टेक्नोलॉजी, यानी कि माइलेज बूस्टिंग टेक्नोलॉजी, जिससे होता यह है कि जब आपकी गाड़ी खाली चल रही हो तो आप इसके अंदर इको मोड के अंदर आप अपनी गाड़ी को चलाएंगे तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाती है। बात करें दोस्तों अगर हम इस केबिन की अंदर की साइड की, तो आप देख सकते हैं आपको काफ़ी वाइड और काफ़ी स्पेशियस एक कार जैसा केबिन वाला आपको यहाँ पर ट्रक के अंदर केबिन मिल जाता है, जिसके डोर के ऊपर आपको पानी की बोतल रखने के लिए जगह, कागज़ पत्र रखने के लिए जगह, ग्लास अप एंड डाउन करने के लीवर और काफ़ी बेहतरीन आपको फैब्रिक अपहोस्टी के साथ में आने वाली सीट्स मिलती हैं, जिसके अंदर आपको हेडरेस्ट जैसी सुविधा भी मिल जाती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको सेफ्टी बेल्ट्स भी मिलती हैं, यानी कि सीट बेल्ट मिलेंगी, जिससे कहीं ना कहीं गाड़ी की जो है सेफ्टी पैसेंजर और ड्राइवर दोनों की ही इंक्रीज हो जाती है। एक वॉक थ्रू केबिन मिलता है, जिससे कि यहाँ पर आप इस साइड से दूसरी साइड में आसानी से जा पाएँ। तो दोस्तों इस तरह का है इसका केबिन, जहाँ पर आपको केबिन के पीछे की साइड में एक विंडो भी मिलेगा, जिससे कि आप हवा पानी का इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हैं। एक बेहतरीन आपको यहाँ पर इसके अंदर डैशबोर्ड मिलता है, जिसके अंदर आपको फ्रंट में देख सकते हैं। अगर आप चाहें दोस्तों इसके प्रीमियम सेगमेंट को लेना, तो वहाँ पर आपको टच स्क्रीन लेने का भी प्रावधान होता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको इको बटन्स मिलते हैं, पावर एंड इको बटन, जिनका चुनाव करके आप अपनी गाड़ी की ड्राइविंग करेंगे तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है। साथ ही दोस्तों केबिन के अंदर ही आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट मिल जाएंगे पूरे के पूरे देखने के लिए, जहाँ से आप अपने फ्यूज वगैरह के डायग्राम्स को देख करके आप अपनी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको मोबाइल चार्जिंग की सुविधा है, ग्लव वॉक्स है, लॉकेबल फैसिलिटी के साथ में, ये सारी की सारी चीज़ें, यानी कि कई सारे आपको यहाँ पर यूटिलिटी स्पेस इन ट्रक्स की केबिन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही दोस्तों दिन रात आपको ट्रक चलाना होता है तो आपके लिए मिलता है यहाँ पर पावर स्टीयरिंग, जिसके अंदर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फंक्शन मिलेगा, जिससे कि आप अपनी कद काठी के अनुसार इसका एडजस्टमेंट करके आप अपने ट्रक को चला सकते हैं लंबी दूरी तक। साथ ही दोस्तों आपकी सेफ्टी के लिए ट्रक्स के अंदर आपको फायर एक्सटिंग्विशर जैसी सुविधा को भी यहाँ पर दिया गया है। तो कई सारे तमाम फीचर्स के साथ में कंपनी ने अपने 2049 ट्रक्स को यहाँ पर अवेलेबल करवाया है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके ग्रॉस व्हीकल वेट की, तो इसका ग्रॉस व्हीकल वेट है 4,995 केजी के आसपास का, जिसके अंदर आप लगभग 2600 से लेकर के 2700 केजी तक का माल आसानी से लेके जा सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मिलेंगे आपको वाइपर के कंट्रोल्स, और राइट हैंड साइड में दोस्तों यहाँ पर इन ट्रक्स के अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल जैसी सुविधा भी मिल जाती है। जब आप अपनी गाड़ी को लंबी दूरी पर चला रहे हो तो आपको बस क्रूज़ कंट्रोल को सेट करना है और आप अपनी गाड़ी को निरंतर चला सकते हैं। दोस्तों इस तरह की है केबिन और इसके अंदर आने वाला स्टीयरिंग। अब बात करते हैं हम इसकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की। दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी बेहतरीन खूबसूरत आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलता है, जिसके अंदर आपको गियर शिफ्ट एडवाइज़र है, टेलीमेटिक्स है, तमाम सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटली रूप से शो होती हैं। अगर आप अपनी चाबी को ऑन करते हैं तो वेलकम करती हुई स्क्रीन आती है। कलर कोड के साथ में यहाँ पर आपको फ्यूल कोचिंग जैसी सुविधा को भी कंपनी के इन ट्रक्स के साथ में दिया गया है। यहाँ पर आपको टाइमर है, ओडोमीटर है, ट्रिप मीटर है, स्पीडोमीटर है, इंजन टेम्परेचर है, तमाम सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होती हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन स्पेस मिलता है अपनी इन गाड़ियों को चलाने के लिए। साथ ही दोस्तों आपके ड्राइविंग कंफर्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपको मिलता है एक छोटा सा गियर शिफ्ट लीवर, जिसके माध्यम से आप इसके 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आने वाले गियर शिफ्ट लीवर और गियर बॉक्स को ऑपरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था इसका केबिन। अब हम बात करते हैं इस ट्रक के साथ में मिलने वाले इंजन के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको 2 लीटर का इंजन मिलेगा, जिसको कि आप केबिन को इस तरह से टिल्ट करके देख पाएंगे। यहाँ पर इस इंजन से आपको लगभग पावर मिलती है लगभग 100 HP के आसपास की 3200 RPM पर, और 285 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है 1250 से लेकर के 2500 RPM के आसपास। साथ ही दोस्तों इस ट्रक से आपको माइलेज मिलेगा लगभग 10 से लेकर के 11 KMPL, यानी कि 1 लीटर डीजल के साथ में आप इतना माइलेज ले पाएंगे। साथ ही दोस्तों इस ट्रक के साथ में आपको मिलती है 34% की चढ़ाई चढ़ने की क्षमता, क्योंकि यहाँ पर लगा है 280 मिलीमीटर डायमीटर का सिंगल प्लेट ड्राइव फ्रिक्शन टाइप का क्लच प्लेट। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस ट्रक की कीमतों के बारे में। दोस्तों अगर आप दिल्ली शहर के आसपास इस ट्रक को खरीदना चाहते हैं तो लगभग एक अनुमानित जो कीमत है वो रहेगी लगभग 11,70,000 रुपये के आसपास। कीमतें भिन्न हो सकती हैं समय और परिस्थितियों के अनुसार। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने आपको तमाम सारी जानकारी दे दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करिएगा। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।